ये बताइए कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ जाना चाहिए क्या? क्या ये सही होगा? क्योंकि 16,800 वाला बाजार 18,800 हो गया लगभग। थोड़ा प्रॉफिट लेके वेट करना चाहिए, थोड़ी स्टीम निकल जाए, या अभी भी ट्रेल करने चाहिए अपनी पोजीशंस? क्या व्यू बन रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजय, आपको, प्रियंका को। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, यही हमारी नीति है। इनफैक्ट मैं कल से छुट्टी पे जा रहा हूँ और मेरा व्यू है ये, टेक सम मनी ऑफ द टेबल, देर कैन नॉट बी पैरेलल। यू नो, आज पहली बारी मैं फिर से, आप देख रहे हैं, गोल्ड इज हिटिंग न्यू हाईज, बॉन्ड्स आर हिटिंग न्यू हाईज एंड इक्विटीज, देर इज अ लॉट ऑफ लेफ्ट आउट फीलिंग, पर्टिकुलरली सम ऑफ द फॉरेन फंड्स जो बहुत अंडरवेट थे इंडिया, लेकिन अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट हैज बीन टेकन प्लेस। अब न्यू हाईज आर वेरी मच ऑन द कार्ड्स, 200 पॉइंट ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां से मुझे घबराहट ये है कि फ्रॉथ है इन अ लॉट ऑफ सेक्टर स्टॉक्स, सो बी स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन टेक होम सम मनी। और ये आपको बताऊं अजय जी, ये 2 महीने में जो पैसा बना है, शायद लास्ट 8 महीने में नहीं बना। मार्केट्स आर नॉट सपोज टू मेक मनी फॉर यू ऑन अ डे टू डे और अ मंथ टू मंथ बेसिस। व्हेन यू गेट सच अ रन, इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल। दैट इज वॉट वी आर सजेस्टिंग टू आर क्लाइंट्स, that you will get a better entry point in the second half of June. Hence, it is advisable to take some money off and sit on cash.